एक बार इस गाड़ी को ड्रैग करते हैं। अरे बाप रे, कितना सही इस गाड़ी का पावर है दोस्तों, 90-100 तक इस गाड़ी पहुंच चुकी है और ब्रेक मार लिया है। यार क्या पिकअप इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है। मेरे कैमरा ने इसलिए पकड़ा हुआ, मेरी वाइफ ने, वो भी बेचारी डर गई है कि भाई साहब तुम गाड़ी क्या चला रहे थे। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से एक और नए वीडियो में मैं आपका दोस्त मयंक आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं दोस्तों एक और वाइट बीस्ट। ये बीस्ट है मेरे पास फोर्ड की एंडेवर। जी हाँ, एक ज़बरदस्त बीस्ट आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। दिस इज़ फोर्ड एंडेवर 4x4 ऑटो, दिल्ली नंबर गाड़ी है, 2017 मॉडल दोस्तों ये गाड़ी है। और सबसे बढ़िया दोस्तों, हमको यहाँ इसके अंदर मिलते हैं एक पैनोरामिक सनरूफ। आप देख सकते हैं यार कितनी नीट एंड क्लीन दोस्तों ये गाड़ी है जो हमारे पास मौजूद है। आप लोग देख सकते हैं, एक बार इस गाड़ी का फ्रंट भी आप, मैं चाहूँगा एक बार आप फ्रंट इस गाड़ी का ढंग से देखें। आप देख सकते हैं कितनी वेल मेंटेन दोस्तों ये गाड़ी है, फ्रंट से भी एकदम नीट एंड क्लीन दोस्तों ये गाड़ी हमारे पास यहाँ पर आज देखने को आपको मिल जाती है। अगर इसके इंजन की बात की जाए दोस्तों, दिस इज़ 3.2 ऑटो 3200cc का दोस्तों ये डीजल इंजन है, जो पावर पैक कार है अपने ही सेगमेंट के अंदर। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले, इस गाड़ी की और आगे डिटेल देने से पहले, मैं दोस्तों एक बार आपको बताना चाहूँगा, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मयंक पंजाबी। मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए अब पहले इस गाड़ी का वॉक अराउंड एंजॉय करें, उसके बाद मैं आप लोगों को दोबारा मिलता हूँ। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये गाड़ी, आपने इसका वॉक अराउंड देखा यार, है ना यार बहुत ही नीट एंड क्लीन और ज़बरदस्त गाड़ी दोस्तों। अगर देखा जाए यार ये फोर्ड की एंडेवर यार बिल्कुल ही बीस्ट कार है। जेन्युइनली अगर आप इसको चलाएंगे भी ऐसी यार ज़बरदस्त गाड़ी, जैसे पता नहीं आप कितने हैवी मस्कुलर कार के अंदर बैठ के ड्राइव कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको गाड़ी के फ्रंट व्यू दिखाया कि फ्रंट से कितनी सुंदर, कितनी नीट एंड क्लीन गाड़ी है, एक बार आप इस गाड़ी का साइड की स्टैंडिंग भी देख सकते हैं। एक तो दोस्तों सबसे बड़ी जो इसके अंदर ज़बरदस्त है अलॉय व्हील, आप देख रहे हो देख सकते हैं, दिस इज़ 19 inches अलॉय व्हील हमको इस गाड़ी के साथ आते हैं, स्टॉक अलॉय व्हील्स है। और सबसे बढ़िया बात, चारों ही MRF के ब्रांड न्यू टायर इसके अंदर डले हुए हैं। एक बार मैं आपको इस गाड़ी का इंटीरियर भी दिखा देता हूँ कि कितनी वेल मेंटेन दोस्तों अंदर से भी गाड़ी है। कितना कुछ कस्टमर ने भी, आप देख सकते हैं इस गाड़ी में मैट देखे, पूरे 70 मैट्स इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल्ड हो रखे हैं। और अगर इंटीरियर की बात भी करता हूँ, बिल्कुल फुली इलेक्ट्रॉनिक दोस्तों इस गाड़ी का इंटीरियर आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अगर डोर पैनल की बात की जाए तो आप डोर पैनल भी देख सकते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन दोस्तों डोर पैनल हमारे को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एक तो दोस्तों जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस गाड़ी में लगी, हमको ग्रे कलर की जो पियानो फिनिश जो हमको यहाँ पर इंटीरियर का पेंट देखने को मिलता है यार दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है इंटीरियर की लुक इस गाड़ी के अंदर, इस गाड़ी को अंदर से भी। चलिए इंटीरियर का रिव्यू मैं आपको जब गाड़ी चलाऊंगा तो मैं आपको दूंगा कि यार कितना बढ़िया इस गाड़ी का इंटीरियर भी देखने में है। एक बार आप दोस्तों इस गाड़ी का बैक का भी इंटीरियर देखिए कि बैक से देखिए कितनी नीट एंड क्लीन और कितनी वेल मेंटेन दोस्तों ये गाड़ी आपको बैक से भी देखने को मिल जाती है। और सबसे बढ़िया चीज़ दोस्तों आप देख सकते हो ऊपर पैनोरामिक सनरूफ आपको इस गाड़ी में देखने को मिलती है, जो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर देती है। दोस्तों एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा, दिस इज़ 2017 मॉडल फोर्ड एंडेवर 4x4 ऑटोमेटिक और इंजन स्पेसिफिकेशन है 3.2 ऑटो। जी हाँ, 3.2 सीसी का दोस्तों इसके अंदर इंजन देखने को मिलता है। प्राइस जानने के लिए इस गाड़ी के इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, प्राइस में आप लोगों को मैं जल्दी बताने वाला हूँ।
चलिए, जैसे कि आप लोगों ने गाड़ी का इंटीरियर देखा है, अब एक बार दिखाता हूँ गाड़ी की बैक से भी कि गाड़ी पीछे से भी देखने में कितनी नीट एंड क्लीन और कितनी वेल मेंटेन दोस्तों आप गाड़ी आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों सबसे बढ़िया चीज़ जो मैं इन गाड़ियों में आपको देखने को मिल रही है वो है यार इनका इलेक्ट्रॉनिक बूट। यार इलेक्ट्रॉनिक बूट आजकल इन गाड़ियों में आ चुका है, आप देख सकते हैं। एक बार मैं आपको इस गाड़ी का बूट भी ओपन करके दिखाता हूँ दोस्तों कि इसके अंदर बूट स्पेस भी कितना अच्छा हमको इस गाड़ी का बूट स्पेस भी मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं फुली इलेक्ट्रॉनिक बूट दोस्तों इस गाड़ी के अंदर भी देखने को मिल जाता है। और आप देख सकते हैं अभी तो आप देख सकते हैं इसके अंदर अभी थोड़ी सी आपको सीट कम जगह दिख रही होगी, अगर यहाँ पे हमारे को सीट फोल्डिंग का ऑप्शन भी दे रखा है, ये दोनों सीट अगर हम फोल्ड कर देते हैं तो एक अच्छा खासा हमको बूट स्पेस भी इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों कैसी लग रही है आपको ये गाड़ी देखने में, एक बार मेरे को जरूर कमेंट कर दीजिएगा नीचे कि आपको गाड़ी कैसे लग रही है। पहली बार मैं आपको फोर्ड एंडेवर दिखा रहा हूँ और यार एक्चुअल में बताऊँ मैं भी इस गाड़ी को, अगर जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने अभी ड्राइविंग भी किया था इस गाड़ी को जब मैं शूट पर हम लेके आ रहे थे, तो यार बहुत ही अलग बहुत ही वेल मतलब कहते हैं ना बहुत ही अलग एक्सपीरियंस इस गाड़ी को चलाने का भी आता है और बहुत ही पावरफुल कार दोस्तों मेरे को लगी है चलाने में भी। चलिए अब मैंने आपको दे दिया, जैसे मैंने आपको पूरा वॉक अराउंड बाहर का दे दिया, आपको इंटीरियर भी दिखा दिया, आपको एक्सटीरियर भी दिखा दिया, अब बारी आती है चलने की इस गाड़ी के ड्राइव पे कि हाँ अगर आप लोगों को मैं गाड़ी ये दिखा रहा हूँ क्या ये गाड़ी चलने में भी अच्छी है, इसकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है। चलिए चलते हैं गाड़ी की ड्राइव पे। चलिए दोस्तों जैसे कि मैं गाड़ी के अंदर आके बैठ चुका हूँ, एक बार मैं आपको देता हूँ गाड़ी का ड्राइविंग रिव्यू। लेकिन रिव्यू शुरू करने से पहले दोस्तों आप इस गाड़ी के एक बार आप डैशबोर्ड देख सकते हैं दोस्तों, कितना नीट एंड क्लीन दोस्तों इस गाड़ी का डैशबोर्ड है और कितना बढ़िया इसका सॉफ्ट टच लेदर का मेरे को यहाँ पे डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। और सबसे बढ़िया चीज जैसे मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करी है तो आप देख सकते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम में मेरे को फोर्ड का वेलकनी में एक फोर्ड का लोगो मेरे को देखने को मिल जाता है। यार ओवरऑल देखा जाए इस गाड़ी के अंदर जैसे बैठा भी हूँ तो बहुत ही रूमी और बहुत ही स्पेशियस दोस्तों ये गाड़ी है देखने के अंदर। और ऊपर देखा जाए तो पैनोरामिक सनरूफ मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाती है जो इजीली ऑपरेटेड है, यहाँ पे सारे बटनों से जो इजीली ऑपरेटेड हो जाती है। बात करूँ मैं 4x4 मोड की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे 4x4 का मोड दे रखा है। जैसे मैं 4x4 मोड अपना ऑन कर देता हूँ, प्रॉपर 4x4 मोड पे आपको इस गाड़ी का मैं रिव्यू दूंगा कि गाड़ी चलने में, इस गाड़ी की पावर, इस गाड़ी का पिकअप कैसा है। चलिए काफ़ी हो गई गाड़ी की बातें अंदर की, अब देखते हैं गाड़ी चलने में कैसी है और क्या ये चलने के अंदर क्या एक क्लास कार है कि नहीं है। चलिए मिलता हूँ आपको थोड़ी ड्राइविंग करते हुए। जैसे कि मैं आपको गाड़ी क्या करूँगा, गाड़ी के अंदर मैं ड्राइविंग रिव्यू के लिए आपको मैं देता हूँ कि गाड़ी चलाने में कैसी है। सबसे बड़े तो दोस्तों इस गाड़ी के आपको पता है यार एंडेवर जैसी गाड़ी मस्कुलर पावर पे कार अगर आप चला रहे हो और गद्दी अगर उसके ऊपर ना हो, राज गद्दी स्टाइल सीटिंग ना हो तो मजा ही कुछ और है। आप देख सकते हैं कितनी हाई क्लियरेंस ग्राउंड क्लियरेंस पे मेरे को नीचे मेरे पास दे रखी है और अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मेरे को देखने को मिलता है। और सबसे मजा तो दोस्तों गाड़ी चलाने का इसलिए आ रहा है मेरे को क्योंकि सामने आप देख सकते हैं मुझे प्रॉपर गाड़ी का बोनट भी मेरे को देखने को यहाँ पर मिल जाता है। यार अगर दोस्तों बात करें 4x4 के अंदर, अगर मैं जस्ट चलता था, मैं एक्सीलेटर देख रहा हूँ कर रहा हूँ, गाड़ी एकदम से पिकअप पकड़ लेते दोस्तों, क्योंकि ये है 190 हॉर्स पावर की गाड़ी। जी हाँ, 190 हॉर्स पावर बहुत ज्यादा होता है और एक जस्ट हल्का सा अपना पैर आप रखते हैं अपने एक्सीलेटर पे, जस्ट पंच की तरह गाड़ी दोस्तों जाती है। अब आगे एक बार आगे मेरे यहाँ पे स्पीड ब्रेकर भी आता है, जरा मैं आपको दिखाता हूँ कि स्पीड ब्रेकर के अंदर इस गाड़ी का सस्पेंशन कैसा है, क्या इस गाड़ी के अंदर कोई लैग है, क्या इस गाड़ी के अंदर कोई सस्पेंशन की साउंड है या कुछ तो नहीं है, और प्लस इस गाड़ी का टर्निंग रेडियस। जी हाँ, कितना टर्निंग रेडियस के अंदर गाड़ी मुड़ जाती है, हमारी यू टर्न ले लेती है, ये सब कुछ मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। क्या कम रेडियस पे गाड़ी मुड़ जाती है कि ये भी काफी अच्छा खासा स्पेस लेती है मुड़ने में भी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यू टर्न गाड़ी का काट रहा हूँ, आप देख सकते हैं कितनी स्मूथली और कितने कम रेडियस पे दोस्तों, आप देख सकते हैं इतनी ह्यूज कार का कितनी कम और कितनी स्मूथली आप देख सकते हैं कि आराम से टर्निंग रेडियस कट गया। और गाड़ी की अगर पिकअप की बात भी की जाए दोस्तों तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दोस्तों इस गाड़ी का अगर पिकअप दे रखा है। एक बार पिकअप की बात है तो मैं आपको गाड़ी देखने कहूँगा खिंचा। जी हाँ, इस गाड़ी का खिंचा कितना है, क्या पावर इस गाड़ी के अंदर भागती है गाड़ी है, ये सब मैं अभी आपको दिखाता हूँ। थोड़ी सी मैं गाड़ी अभी आगे स्लो कर लेता हूँ, थोड़ा ट्रैफिक निकल रही, मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी का खिंचा की हाँ खींचने में गाड़ी ये कैसी है। एक बार इस गाड़ी को ड्रैग करते हैं, ओहो, अरे बाप रे कितना सही इस गाड़ी का पावर है दोस्तों, 90, 100 तक इस गाड़ी पहुंच चुकी है।
ब्रेक मार लिया है यार, क्या पिकअप इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है। मेरे कैमरा डिस्प्ले पकड़ा हुआ, मेरी वाइफ ने वो भी बेचारी डर गई है कि भाई साहब तुम गाड़ी क्या चला रहे थे, बहुत टाइम पेपर छूट में आई है, बट ये भी थोड़ी सी डर गई है अभी गाड़ी की पिकअप पावर देख के। चलिए मैंने आपको जैसे ड्राइविंग रिव्यू दे दिया, अब आपको मैंने इस गाड़ी का खिंचा भी दे दिया कि खिंचा मारने में गाड़ी कितनी पावरफुल और कितनी तेज है। अब आता हूँ मैं आपको गाड़ी के प्राइस की तरफ की, आपकी कितने प्राइस में कितने पैसे में गाड़ी आपके पास हो जाएगी, उसके लिए मैं गाड़ी से बाहर निकलता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ बाहर निकल गया। चलिए दोस्तों, जैसे कि आपने इस गाड़ी का ड्राइविंग रिव्यू देखा यार, ड्राइविंग में आपने देखा मुझे कितना मज़ा आता है इस गाड़ी को चलाने में। अब आते हैं मेन बात पे, इस गाड़ी के प्राइस के ऊपर। जी हाँ, कितने पैसों में ये गाड़ी आपकी हो जाएगी। सबसे पहले इस गाड़ी की डिटेल आपको दोबारा देना चाहूँगा, दिस इज फोर्ड एंडेवर। जी हाँ, फोर्ड की एंडेवर दोस्तों गाड़ी है, 3.2 ऑटो दिल्ली नंबर गाड़ी है, सिंगल ओनर कार है और चली है सिर्फ और सिर्फ 32,000 किलोमीटर। जी हाँ, 2017 के हिसाब से 2020 चल रहा है, सिर्फ 32,000 किलोमीटर दोस्तों गाड़ी चली हुई है। अब आते हैं मेन बात इस गाड़ी के प्राइस के ऊपर कि गाड़ी कितने की आपकी हो जाएगी। ये गाड़ी आपकी दोस्तों हो जाएगी 29 लाख रुपीज़ की, कि 29 लाख रुपये की दोस्तों इस गाड़ी की हमारी डिमांड है जो ऑन टेबल नेगोशिएबल है। चलिए नीचे दिए नंबरों पर फटाफट से दोस्तों कॉल करिएगा और फटाफट से आके ऑफिस में अपनी डील को क्रैक कीजिएगा। चलिए, जैसे आपको मैंने ये गाड़ी दिखाई, एक और आपके लिए बहुत स्पेशल गाड़ी मैं आपके लिए अगली वीडियो में लेके आने वाला हूँ, तो उससे पहले इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो एंड करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है मयंक पंजाबी इंडिया पर जाके आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और नए नए लेटेस्ट अपडेट को आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में बहुत जल्दी, टिल देन आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।